आपको बता दें कि वे उत्तर प्रदेश के 66वें पुलिस महानिदेशक हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। 1980 कैडर के यूपी के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर सुलखान सिंह तेज तर्रार इमेज वाले अफसरों में गिने जाते हैं। उन्होंने सैयद जावेद अहमद के बाद ये पद संभाला है। पदभार ग्रहण करने के बाद सुलखान सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हम सब काम करने की आजादी दी जाएगी। हमारा प्रयास जनता का भरोसा जीतने का होगा। प्रदेश में अब किसी भी गुंडागर्दी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम करेगी। हम अपने व्यवहार में सुधार लाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। जनता की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुलिस जनता की सेवा के लिए ही बनी है। निरीक्षक नियुक्त किए जाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और जवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी और उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्षता से, एकरूपता से तथा उनके सम्मान एवं अधिकारों का ध्यान रखते हुए पुलिस की कार्रवाई करेगी। हमारा प्रयास होगा कि हम अपने कार्य एवं आचरण से लोगों को ये एहसास कराएं कि ये पुलिस उनकी सेवा के लिए है, उनकी सहायता के लिए है। और इस कार्य के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं। हमारी प्राथमिकताएं जनता की सुरक्षा, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके आत्मसम्मान की रक्षा, तथा इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिसिंग की प्राथमिकताएं तय की हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगी। इस मौके पर मुझे और कुछ ज़्यादा न कह करके मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई बात आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, यहाँ पुलिस पर हमले बढ़े हैं, हर बात होती कि पुलिस का इकबाल बुलंद करेंगे, लेकिन उसमें घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही थी, इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है कि पुलिस का इकबाल फिर से बढ़े? जैसा मैंने अभी बताया, पुलिस निष्पक्ष रूप से और एक रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को कोई छूट या ढिलाई नहीं दी जाएगी और यही एक हमारा मूल मंत्र रहा है हमेशा पुलिस में काम करने का। जहाँ तक पुलिस पे हमले या पुलिस के ऊपर कोई घटना की बात है, पुलिस का काम एक जोखिम भरा काम है और जिस तरह का काम हम लोग करते हैं उसमें इस तरह की घटनाओं की पूरी संभावना रहती है। हमें अपनी ट्रेनिंग और अपनी युक्ति से अपने ऊपर आने वाली चोट और हमलों को रोकना है और साथ ही मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करनी। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने अभी चार्ज टेकओवर किया है, मुझे अभी कोई डिटेल इनसाइडर जानकारी नहीं है इंटेलिजेंस की या कोई और ऐसी, और लेकिन हमारे एजेंसी जो हैं वो सक्रिय हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी ATS और STF, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उनकी एक नेटवर्किंग है और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम टाइमली कार्रवाई करेंगे। और इस फ्रंट पर भी मैं नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी इस मामले में। क्या सर, ये भी व्यवस्था बनने जा रही है पुलिस को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि संख्या और काम करने की टाइमिंग को लेकर बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है पुलिस के अंदर? पुलिस को दिन में एक नियमित काम के घंटे हों और सप्ताह में एक दिन विश्राम मिले, ये जरूरी है। और इसके लिए
पूर्व में भी कुछ आदेश हुए हैं, मुझे पूरा उसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसके संबंध में जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी वो की जाएंगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम साप्ताहिक विश्राम मिले और दिन में भी उसको ऑप्टिमम विश्राम मिलना चाहिए। जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं उनको अगले दिन विश्राम मिलना चाहिए। दो नाइट लगातार ड्यूटी करने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगली रात्रि का विश्राम मिलना आवश्यक है। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ और साइकोलॉजी के संबंधित जो मानक हैं, दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है और दुनिया की पुलिस फोर्सेज में जो फॉलो किया जाता है मानक, वही हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे और उससे हमें उम्मीद है कि हमारी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी। ये पुलिस फोर्स में ज़्यादातर किया जाता रहा है, केवल त्योहारों में या चुनाव में या कोई ऐसे मौक़ों पर ही एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ लगती हैं। हम लोग फील्ड में रहे हैं, फोर्स की बदली जब कोई बड़ा मामला भी हो जाता था तो फोर्स की ड्यूटी लगा के रात में 2 बज जाएं, लेकिन हम बदली लगा के ही विश्राम करते थे। तो दंगे के दौरान भी हम लोग ये करते थे कि ड्यूटी लगा दी गई है तो इसकी बदली का इंतजाम उसी दिन कर दिया जाए, फोर्स को उसी दिन कर दिया जाए, उनके ठहरने का, उनके खाने पीने का, उनके नहाने धोने की ये व्यवस्था, ये सब कर दी जाए। फोर्स में ये मैनेजमेंट हमेशा किया जाता रहा है, अभी भी किया जाता रहा होगा, लेकिन इमरजेंसी में कभी दिक्कतें होती हैं उनको भी दूर किया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा फोर्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स है और बड़े से बड़े फोर्स से भी बहुत बड़ा है ये फोर्स, तो इसमें कुछ शिकायतें सही और गलत दोनों ही हो सकती हैं। कई बार व्यवहार ठीक न होने के कारण लोग चिढ़ते हैं और ठीक उल्टी सीधी शिकायतें भी करते हैं, बाद में जांच में पाया जाता है कि ये तो नाराज़गी के कारण लोगों ने कर दिया है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया है कि हम अपना व्यवहार ठीक करेंगे जिससे कि इस तरह की शिकायतों में भी कमी हो, लेकिन अगर कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी किसी तरह कोई गलत काम करता है तो उसको कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर, एक आईपीएस ने अभी ट्वीट किया था कि नई सरकार बनने के बाद एक खास सबनेम वाले लोगों को टारगेट किया जाएगा अपने नंबर बढ़ाने के लिए, तो ये कार्रवाई भी जारी रहेगी कि बंद कर दी जाएगी? देखिए, इस तरह के वेग टाइप की चीज़ों पर कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है, मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है किसी मामले में। 100% FIR लोगों की दर्ज हों, हम पुलिस के अधिकारियों का आकलन आंकड़ों के आधार पर नहीं करेंगे। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि आपके पिछले बार 15 आंकड़े थे, इस बार 20 हो गए हैं, इसलिए आपका काम खराब है। जो पहला मुलाकात और पहला इंटरफेस पुलिस का जनता से होता है वो है FIR के टाइम पर, तो इसको हम ये इंश्योर कराएंगे कि FIR 100% रजिस्टर की जाएँ। उससे बहुत सारी हमारी कंप्लेंट्स और बहुत सारी समस्याएं अपने आप, हमने ट्रेनिंग में इस बात को इंट्रोड्यूस किया है कि एक जनोन्मुख पुलिस व्यवस्था और जनोन्मुख व्यवहार किया जाए, ये हमने ट्रेनिंग के सिलेबस में पहली बार शामिल किया है। एटीट्यूडनल चेंजेस का मामला, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का एक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो हम अपने व्यवहार में और पीपल्स इंटरफेस जो होता है उसमें सुधार ला करके जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगर विश्वास हमें जनता का कॉन्फिडेंस हमारे साथ रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर में हमको बहुत मदद मिलेगी उससे। देखिए, नो न्यूज़ इज़ डेफिनेटली ए गुड न्यूज़। पुलिस का फियर होगा लोगों में तो इस तरह के लोग कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन ये कोई अभियान नहीं है और ये लगातार एज ए रेगुलर पुलिस व्यवस्था चलेगा। ये जितनी इस तरह की स्क्वाड बनाई जाएंगी उन सभी को स्टैंडिंग ऑर्डर दिए जाएंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक स्वयं उनको ब्रीफ करके ड्यूटी पर लगाएंगे, कोई भी आदमी अपने आप ड्यूटी पर नहीं लगा दिया जाएगा। और ये छद्म वेश में छुपे हुए रह करके ये देखेंगे कौन लोग हैं जो उत्पीड़न या परेशानी कर रहे हैं या आपत्तिजनक व्यवहार पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, उसको ये लोग देखेंगे। इसमें किसी को पकड़ के क्वेश्चन करना या उसका इंटरोगेशन करना इसका पार्ट नहीं है, ये उनको स्टैंडिंग ऑर्डर में और ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया जाएगा। इनमें वॉच करना है, अगर किसी का आपत्तिजनक व्यवहार दिखाई पड़ता है तभी उसमें कार्रवाई करनी है, और क्या कार्रवाई करनी है ये भी स्पष्ट रूप से उसके व्यवहार के हिसाब से इसको भी लिपिबद्ध किया जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, उनको लिखा पढ़ी में रिसीव करा के आदेश दिए जाएंगे। सर, अभी UP 100 को लेकर प्लानिंग है, UP 100 सरकार, अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं क्या शिकायतें हैं। तो जैसा बताया, पुलिस की शिकायतें इन जनरल जो हैं वो सभी इसमें शामिल हैं,
और जो हम जनरल शिकायतों के लिए करेंगे वही उसी से डायल 100 की भी शिकायतें दूर होंगी, वही पुलिस अधिकारी है हमारे। तो और जो गलत करेगा ये मैं आपके माध्यम से उनको सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी, जनता के साथ दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की गश्त थाने में अब ये इंश्योर किया जाएगा कि गश्त पार्टी थानाध्यक्ष स्वयं निकालेंगे, ये काम किसी और को नहीं दिया जाएगा। पुलिस लाइन में जो ड्यूटी लगती है चाहे मुलजिमों की हो चाहे जो हो, वो RI से नीचे का अधिकारी नहीं उसको करेगा, जो अधिकारी जिम्मेदार है वही ड्यूटी लगाएगा और वही गश्त को इंश्योर कराएगा। बॉर्डर थानों से गश्त का मिलान करना, उनका आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ये सब इंश्योर किया जाएगा। मेसों की व्यवस्था खराब नहीं है, पुलिस अधिकारी जो वहाँ हैं उन्हीं को मैनेज करना होता है मेस। सरकार उनको कुक देती है, बर्तन देते हैं, जगह दे रहे हैं, उनको केवल जो कंज्यूमेबल खाने का है वो खर्च करना है, उन्हीं कमेटी होती है, उन्हीं को सामान खरीद के लाना होता है, उन्हीं की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होती है। थाने के लोग थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं इसलिए उनका खाना खराब रहता है, पुलिस लाइन में लापरवाही नहीं होती, पुलिस लाइन का खाना बहुत अच्छा होता है। के नाम पर या पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे, और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस को सूचना दे, इसकी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि सूचना देने वाले का नाम हम स्वयं नहीं पूछेंगे और उसको गुप्त रखेंगे, लेकिन हम ये किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो खुद किसी तरह की जोर जबरदस्ती या कोई कार्रवाई करे। पब्लिक में जाकर घेराबंदी कर लेना जाके या कहीं बैठ जाना, धरना दे देना जाके, इस तरह की चीज़ें पब्लिक को अलाउ नहीं की जाएंगी। इससे आपसी अवेयरनेस बढ़ता है और इससे दुश्मनी पैदा होती है लोगों में, ये नहीं अलाउ किया जा सकता बिल्कुल। हमारे सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठेंगे पूर्वांध में, वहाँ लोगों से मिलेंगे, मैं भी पूर्वांध में बैठूंगा, लोगों से मुलाकात करूंगा, IG जोन्स, DIG रेंजर्स सभी लोग मुलाकात करेंगे। तो जब सभी अधिकारी नीचे तक मिलेंगे तो यहाँ आने वालों की संख्या अपने आप मेरे ख्याल में कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा अब नहीं होगा, उठाएंगे सभी फोन उठाएंगे, सब कहना मानेंगे, सब एक दूसरे कहना, कोई चैनल वायलेट नहीं करेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं था मेरे ख्याल में। शाहिद सुलखान सिंह जो है उन्हें पुलिस महानिदेशक का पद दिया गया है, तो किस तरह का कार्यभार, किस तरह की जिम्मेदारियां होती है? सुलखान सिंह को उत्तर प्रदेश का नया DGP बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे हमेशा सवालिया निशान उगता आया है, जिसको देखते हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुलखान सिंह को उत्तर प्रदेश का नया DGP बनाया है। जिस तरह से चाहे वो दंगे हो, चाहे वो जितना भी उत्तर प्रदेश में जितने भी करप्शन हो, वो एक कहीं ना कहीं चैलेंजेस है सुलखान सिंह के लिए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, जनता की समस्या को सुनना है और पुलिस मित्र बनाना है कि जनता के बीच पुलिस मित्र बन के जनता की जितनी भी व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। मगर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से BJP की सरकार आने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था पे सुधार देखने को मिल रहा है, आगे उसका सुधार बहुत जरूरी है। अब दिन पे दिन नई चीजें दिखने को मिल रही है, चाहे सहारनपुर के दंगे की कहीं ना कहीं फिर चिंगारियां भड़क रही है, तो एक चांसेस है कहीं पे कोई दंगा ना हो पाए। जिस तरह भगवा लोग रंग करके डेली कहीं ना कहीं कोई बातें सुनाई दे रही है, वो बातें को खत्म करना है, सबका साथ सबका विकास लेके नए DGP सुलखान सिंह को लेके चलना है। तो उनके अनुभव को देखते हुए इन्हें लिया गया है या फिर उनकी साफ सुथरी इमेज जो है उसे देखकर उन्हें कार्यभार दिया गया है? ठीक है, आपको बताना चाहेंगे दोनों बात है। एक तो उनके पास अनुभव, व्यापक अनुभव है और बहुत अनुभव उनके पास, और एक उनकी छाप सुथरी छवि है। एक ईमानदार IPS के रूप में जाने जाते हैं, कभी उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। हमेशा उन्होंने जहां भी रहे हैं
जनता के हित में काम किया है और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर भरोसा किया है और एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमान जो डीजीपी पुलिस महानिदेशक का पद देके उनको साबित भी किया है और उनकी ईमानदारी को भरोसे से साबित करके ये उनको एक संदेश भी दिया है कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को सुधारेंगे और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखेंगे।